इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स, ए कोई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होगा सच दैट x इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू y एंड वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के इक्वल नहीं, क्योंकि अगर x 0 रख दोगे ना तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0, चेक करो ना, x 0 रख दोगे 0 इंटू वाई डैश 0 और y इज इक्वल्स टू 0, तो x 0 नहीं हुआ, ऐसा वो कह रहे हैं, ज़्यादा कोई खास बात नहीं कह रहे हैं। तो ऐसा कुछ हमको दिखाना है, यानी कि x इंटू वाई डैश का मतलब dy by dx is equals to y, ऐसा कुछ हमको दिखाना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन नहीं मतलब ये कर्व दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, तो dy by dx is equals to a, तो भाई कांस्टेंट है, देखो a तो a रहेगा और x का डेरिवेटिव कितना होता है, x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो बस, और a into 1 कितना होता है, a ही तो होता है, ठीक है ना। अब LHS लेते हैं, देखिए LHS क्या है, x इंटू dy by dx है, तो इज इक्वल्स टू x इंटू व्हाट इज dy by dx, a, ठीक है, और LHS को किसके इक्वल आना चाहिए, RHS के, आ तो गया भाई, चेक करो, x इंटू a, x इंटू a किसके इक्वल है, अरे यार a इंटू x बोलो, x इंटू a बोलो, बात क्या है, सेम है, लो x इंटू a को a इंटू x लिख लो, और a x किसके इक्वल है, y के, तो आप चेक कर लीजिए कि LHS जो था x इंटू dy by dx वो किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, यहाँ पे चेक करो, x इंटू dy by dx किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, यानी कि जो कर्व है ये दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि ये कर्व इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक।